institution with moral values, the only institution with our latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur. पुरानी पेंशन बहाली को लेकर महुआ जिले के सैकड़ों राज्य कर्मचारी 7 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। धरने में शिक्षक संघ, इंजीनियर संघ, सफाई संघ, लेखपाल संघ सहित तमाम विभागों के कर्मचारी शामिल हुए हैं। महोबा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सैकड़ों राज्य कर्मचारियों ने आज पीडब्ल्यूडी कैंपस में हड़ताल कर सभी विभागों के कामकाज को ठप्प रखा। कर्मचारियों ने राज्य सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की है। सभी कर्मचारी संघों ने अपनी मांग पूरी न होने पर आगामी 12 फरवरी तक हड़ताल पर जाने की बात कही। तमाम कर्मचारियों ने पेंशन बहाली किए जाने को लेकर योगी सरकार को आगाह किया है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान पेंशन उनके भविष्य के लिए खतरा है। सरकार ने वादा किया था, मगर अभी तक पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया। चुनाव भी नजदीक है, सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। पेंशन की मांग है और हमारे जो है जो साथी यहां पर नहीं आ पाए हैं वो विकासखंड फलवाड़ी में जो दूर दराज के हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं, बाकी हमारे लोग यहीं पर उपस्थित हैं। जी, क्या किस तरह की मांगे हैं आपकी? पुरानी पेंशन केवल एक मांग है, प्रांतीय वाहन पर केवल पुरानी पेंशन बहाली। कितने विभागों के कर्मचारी एकजुट हुए हैं यहाँ पर? इसमें सभी हमारे जो घटक संगठन हैं, जो लेखपाल संघ हैं, अमीन संघ हैं और डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, सभी कर्मचारियों के जितने भी संगठन हैं, मान्यता प्राप्त वो सभी संगठन हमारे साथ। ये हमारा कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के प्रांतीय आह्वान पर 6 तारीख से 12 तारीख तक की आंदोलन की घोषणा की गई थी। इस पर हमारी कई चरणों में शासन और सरकार से मुख्यमंत्री जी से वार्ताएं भी हुई हमारे प्रांतीय नेतृत्व के द्वारा, और इस संबंध में पिछले जब आंदोलन हो रहा था तब एक कमेटी भी गठित की गई, लेकिन एनपीएस को कर्मचारी और शिक्षक किसी भी कीमत पे नहीं लेना चाहता और पुरानी व्यवस्था की बहाली चाहता है जो पुरानी पेंशन मिलती थी। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।